हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू इलीट रेसलिंग। तो गाइज, आज की वीडियो में हम AEW से जुड़ी हुई कुछ बहुत ही बड़ी और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। और गाइज, आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं AEW और NXT के लास्ट वीक की व्यूअरशिप के बारे में, जानेंगे कि क्या आने वाली है AEW में एक नई चैंपियनशिप, और गाइज इसी के साथ हम बात करेंगे कोडी रोड्स की रिकवरी की। तो गाइज, ज्यादा देर ना लगाते हुए चलिए वीडियो शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं NXT और AEW के लास्ट वीक की व्यूअरशिप के बारे में। तो गाइज, लास्ट वीक का AEW और NXT का शो तो हो चुका है, और गाइज मुझे लगता है कि आप लोगों को इन दोनों शोज की व्यूअरशिप भी जाननी होगी। लेकिन गाइज, हर बार की तरह इस वीक की AEW और NXT की व्यूअरशिप के बारे में बात करने से पहले मैं आप लोगों को लास्ट वीक के AEW और NXT की व्यूअरशिप के बारे में बता देता हूँ। तो गाइज, अगर आपको लास्ट वीक के AEW और NXT की व्यूअरशिप याद नहीं है तो मैं आपको बता दूं, तो गाइज लास्ट वीक के AEW डायनामाइट की व्यूअरशिप थी 928K व्यूअर्स, और गाइज वही बात करें लास्ट वीक के NXT की, तो गाइज लास्ट वीक के NXT की व्यूअरशिप थी 770K व्यूअर्स। और गाइज बात करें इन दोनों शोज की इस वीक की व्यूअरशिप की, तो गाइज इस वीक में इन दोनों शोज की व्यूअरशिप में घटा हुआ है। और गाइज सबसे पहले बात करते हैं NXT की व्यूअरशिप के बारे में। तो गाइज NXT को जो इस वीक की व्यूअरशिप मिली है वो लास्ट वीक के NXT की व्यूअरशिप से 2% कम है, और गाइज इस वीक जो NXT को व्यूअरशिप मिली है वो है 757K व्यूअर्स। और गाइज वही बात करें AEW की, तो गाइज AEW को लास्ट वीक की व्यूअरशिप के मुकाबले इस वीक व्यूअरशिप में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, और गाइज इस वीक की AEW की व्यूअरशिप लास्ट वीक के मुकाबले 12% नीचे आ गई है। और गाइज इस वीक जो AEW को व्यूअरशिप मिली है वो है 817K व्यूअर्स। गाइज इस वीक तो AEW को व्यूअरशिप में बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है, लेकिन गाइज इसके बावजूद भी AEW ने NXT को लगातार 7वें वीक में रेटिंग्स में हराया है। लेकिन गाइज इस बार का AEW और NXT की व्यूअरशिप का अंतर बहुत ही कम था। गाइज आगे बढ़ते हैं, लेकिन ऐसे ही AEW से जुड़ी हुई सभी न्यूज, रूमर्स और अपडेट्स जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और हाँ, बेल आइकन दबाना भी मत भूलना। गाइज आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी दूसरी अपडेट की, और जानते हैं कि क्या है कोडी रोड्स का स्टेटस। तो गाइज MJF के 10 कोड़े खाने के बाद से कोडी की कोई भी अपडेट नहीं आए है, और गाइज हमें पता भी नहीं है कि कोडी की रिकवरी कैसी चल रही है। लेकिन गाइज हाल फिलहाल में ब्रैंडी रोड्स ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक तस्वीर शेयर की है, और गाइज इस तस्वीर में हम देख सकते हैं कि कोडी रोड्स की रिकवरी कैसी चल रही है। गाइज इस तस्वीर के कैप्शन में ब्रैंडी रोड्स ने लिखा है कि कोडी की रिकवरी बहुत ही अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन गाइज हम इस तस्वीर में देख सकते हैं कि कोडी की पीठ पर अभी भी उन 10 कोड़ों के निशान है, और गाइज मुझे नहीं लगता कि आने वाले 1-2 महीने तक कोडी की पीठ से ये निशान जाने वाले हैं, क्योंकि गाइज कोडी के यह घाव भरने में काफी ज्यादा समय लग सकता है। और गाइज यही एक अपडेट है जो मैं आपको कोडी रोड्स के हेल्थ के बारे में दे सकता हूँ। लेकिन गाइज अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी अगली अपडेट की, और जानते हैं कि क्या AEW में एक और चैंपियनशिप आ सकती है या नहीं। तो गाइज हाल फिलहाल में हमारे चैनल के एक सब्सक्राइबर ने मुझसे सवाल किया था कि AEW में कितने टाइटल्स हैं और क्या हमें AEW में एक और टाइटल देखने को मिल सकता है या नहीं। तो गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि AEW में अब 3 टाइटल्स एक्टिव है, और गाइज वो टाइटल्स है AEW वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप, AEW टैग टीम चैंपियनशिप और AEW वुमेन्स चैंपियनशिप। और गाइज अभी तक AEW में ये 3 ही टाइटल्स एक्टिव है। लेकिन गाइज अब हम बात करते हैं कि क्या हमें AEW में एक और चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है या नहीं। तो गाइज AEW में तो सिंगल्स डिवीजन में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप है, और गाइज मुझे लगता है कि आप पूछना चाहते हो कि क्या AEW में मिडकार्ड चैंपियनशिप देखने को मिलेगी, जैसे कि WWE में है इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप और यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। और गाइज बात करें AEW की, तो गाइज AEW की सिंगल्स डिवीजन काफी ज्यादा बड़ी है, और गाइज मुझे भी लगता है कि AEW में काफी सारे रेसलर्स को एक मिडकार्ड चैंपियनशिप देनी चाहिए, क्योंकि वो रेसलर्स उस मिडकार्ड चैंपियनशिप के लिए फाइट कर सके। लेकिन गाइज अभी तक AEW में ऐसा नहीं है, और गाइज मुझे नहीं लगता कि आगे चलकर हमें AEW में मिडकार्ड चैंपियनशिप देखने को मिल सकती है, क्योंकि गाइज जब AEW कंपनी की शुरुआत हुई थी तब AEW के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जैसे कि कोडी, केनी ओमेगा और द यंग बक्स, इन चारों ने क्लियर कर दिया था कि AEW में हमें मिडकार्ड चैंपियनशिप नहीं देखने को मिलेगी। लेकिन गाइज अगर AEW में मिडकार्ड चैंपियनशिप नहीं है तो फिर गाइज AEW में रेसलर्स को लड़ने के लिए दूसरा प्राइस क्या है, और गाइज इसी वजह से AEW ने लाई थी AEW डायमंड रिंग। और गाइज AEW का कहना है कि AEW सारी कंपनियों से अलग दिखना चाहती है, और गाइज इसी वजह से AEW ने इस मिडकार्ड चैंपियनशिप की जगह ये डायमंड रिंग लाई है। और गाइज इस डायमंड रिंग के बारे में AEW ने बताया है कि इस डायमंड रिंग को जीतने के लिए एनुअली एक टूर्नामेंट होगी, और गाइज जो कोई भी रेसलर उस टूर्नामेंट को जीत जाएगा वो बन जाएगा AEW डायमंड रिंग होल्डर। और गाइज इस डायमंड रिंग की इनॉग्रल टूर्नामेंट जीतकर इस डायमंड रिंग को MJF ने हासिल किया है। गाइज AEW ने तो अभी तक नहीं बताया कि इस डायमंड रिंग को जीतने वाले के पास क्या पावर आ जाएगी, लेकिन गाइज हम होप करते हैं कि AEW सारे कंपनियों से अलग दिखने के चक्कर में खुद का ही नुकसान ना कर बैठे। और गाइज मैं फाइनली आपको एक लाइन में बता देता हूँ कि AEW में हमें एक और चैंपियनशिप नहीं देखने को मिलेगी, और गाइज अगर आप चाहते हैं कि AEW में एक मिडकार्ड चैंपियनशिप आए तो फिर गाइज AEW में डायमंड रिंग ही मिडकार्ड चैंपियनशिप की तरह ट्रीट की जाएगी। तो गाइज यही थी आज के लिए AEW से जुड़ी हुई सभी न्यूज, रूमर्स और अपडेट्स। तो गाइज वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, और स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग।